तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हालचाल? तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हालचाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर ईद व्लॉग। लास्ट टाइम हमने जब बनाया था तो ऑब्वियसली ईद उल फितर थी, अब है ईद उल अधा। यार ये वाली जो है ना ईद ईद उल अजहा, ये बड़ी बोरिंग होती है यहाँ पे। देखो ना, अब यहाँ पे ये देखो मोहल्ला देखो फिजा, कोई यहाँ पे ना बकरा आपको नजर आ रहा है, ना बेड़ा नजर आ रहा है, ना कोई तुम्हें पट्टे नजर आ रहे हैं, ना तुम्हें कोई दाना नजर आ रहा है। अब देखो ये मोटे भाई जा रहे हैं आराम से अपनी जॉगिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। वो फील ही नहीं आती ना, उधर होता था लाशें पड़ी होती थी बकरों की, जैसे ही आपका ध्यान हटता था दूसरा बच्चा आपको आगे कहता था ओए ओए उनके घर बेड़ा कट रहा है, तो भागे भागे जाते थे। फिर हमें थोड़ा दुख भी हो रहा होता था कि हमारे बकरे और बेड़े से बोने वाले हैं। यू नो इट्स जस्ट अनदर डे ओवर हियर, बट डोंट वरी, विल ट्राई टू मेक इट स्पेशल। पहली बात तो अभी हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए। बाय द वे हमने नोटिस किया होगा भाई के बाल कट गए हैं, एज यू कैन सी। बहुत लोगों ने लास्ट व्लॉग में यैन मचाई हुई थी, बाल कटा ले यार बस, लेकिन अब आई डोंट नो थोड़ा गलत कट गए हैं। बोले ना वो आंटी थी ना, वो बड़ी बूढ़ी थी, उनको समझ नहीं है, लेकिन अब जो है वो है। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आपको फिर मस्जिद में जाके सीधा मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना। आई विल सी यू गाइस ओवर देयर। हां भाई बॉयज एंड गर्ल्स पहुंच गए, हमें घास पे लगानी पड़ी है। वैसे मैंने देख लिया हमारे कौम के लोग कहीं भी पहुंचे ना जाहिल के जाहिल ही रहते हैं। वो सामने देखो जरा, ये जो टेढ़ी गाड़ी मेरी आंखों के सामने दो गाड़ियों की जगह लगा के अपनी नमाज पढ़ने निकल गया। सेंस ही नहीं है पार्किंग लगाने की। कंप्लेन करते करते भी तो जा सकते हो ना नमाज पढ़ने, तमीज ही नहीं होती यार लोगों को। नमाज पढ़ने जा रहे हैं लेकिन अगले की ना पार्किंग का हक मार लो। सिचुएशन की बात हुई, कॉट ऑन कैमरा, टांग फ्रॉक में फंस गई थी बेचारी। भी तुमने जाना था मुंह के बल, सारी हमारी नमाज रह जाती, फिर हॉस्पिटल लेके जा रहे थे ईद के दिन पे। अबे बॉयज एंड गर्ल्स, हमारी नमाज हो गई। इस दफा ना रश नहीं लगा हुआ मस्जिद के बगैर, पता नहीं क्या ईद उल अजहा को इतनी घास ही नहीं डालते यहाँ पे लोग, क्या हो गया भाई? ये भी ईद ही है। अपनी लाइफ में 25 साल का हो गया ना, 25 साल में मैंने कोई 21 दफा तो ईद की नमाज पढ़ ली होगी। 21 दफा में मुझे आज तक ईद की नमाज सही पढ़नी नहीं है। औरतों ने गलत कर दी थी सारी ना, वो जो ऐसे ही हुआ है वो ना, जब दूसरे वाले रकात होती है ना तो कहा अल्लाहू अकबर, जैसे ना नीचे जाने वाला है साइन, उसे नहीं कहा अल्लाह लंबा करता है ना बंदा पहली दफा, तो ना मैं भी नीचे चला गया। सारे नीचे चले, कुछ लोग सजदे में चले गए। वो ना मेरे साथ ना सीजन मौलवी था, उसको पता था किसने पढ़नी ना, मैंने जल्दी से उसको कॉपी कर लिया, बाकी लोग तो सजदे में चले गए। जाहिल पार्किंग की बात कर रहा था ना, चेक करो जरा, अब ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई ठीक है यहाँ पे, अब यहाँ से मैं कैसे निकालूं भला? ये पीछे इसने भी लगा लिया है, इसने भी लगा लिया है, आगे घास से लेके जानी पड़ेगी। हाँ सामने से निकाल लेता हूँ घास से। देखो ये इसने मेरे हाथ पे क्या लिख दिया, कि तुमने हाथ पे लिख लो, पहले तो शादी से पहले बड़े खुशी खुशी लिखवा लिया था तुमने, अब पता नहीं लिखवाया था आपने जब पहली हमारी थी। यार मैं बहुत ही कोजा लग रहा अपनी कटिंग में, मैंने देख लिया, कल से रो रहा हूँ मैं बैठा हुआ, क्या कर दिया मई ने मेरे साथ। लेट है आओ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये की जुम्मे के बाद ईद की नमाज के बाद हम आए हुए हैं टोक्यो हार्बर। यहाँ पे वो नहीं हलाल है बाची, वो जो शेफ डांस करके बनाता है, मैं आपको तीसरी दफा यहाँ पे ला रहा हूँ। बट सीन ये है कि गोश्त खाने का दिल कर रहा था और स्टेक भी एक तो हलाल यू नो ये देता है, तो उसका मूड हो रहा था, तो हमने कहा आज यहाँ पे आके खाते हैं। तो वहाँ पे फिजा सेल्फी लेने की कोशिश करिए, इस तरह ले रहा ना व्लॉग बनाते हुए, ये हमारी पिक्चर आ गई। चलो जी और टोक्यो हार्बर में चले, हमें तो किसी ने ना कलेजी की ऑफर मारी ना किसी गोश्त की ऑफर मारी, तो हमने कहा हम जरा खुद ही यहाँ पे जाके खा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, तो लेट्स गो। कह रहे हैं पागल आ गए, दो दो कैमरे लेके। सिंगल सीन ही, हम दोनों ने अपने माइक कनेक्ट कर लिए हैं, टेस्ट करो बोलो कुछ फिजा। 1 2 3 4 5 तुमको तुम्हारा मियाँ कितना खूबसूरत है। मेरा मियाँ एक ही कपड़े पहनी जाता है। आई वांट टू सेव पाकिस्तान, टू सैक्रिफाइस माय ओन लाइफ फॉर पाकिस्तान। मिस्टर यू बाइक पकड़ाते हो उसने ना, सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर पाकिस्तान। यहां पे देखे जा रहे हैं फिजा को भी स्पेशली, क्योंकि हमारे कपड़े भी ड्रेसिंग ऐसी है ना, और यहाँ पे कोई देसी लोग नहीं है, फादर्स डे है, सबका फादर तो इधर बैठा हुआ है। क्या कुछ नहीं, चुस मारी है जी, सारे बोलेंगे फादर से, आप जोर से बोलना ईद मुबारक, पता होगा उन्हें ऑब्वियसली। अब इस्लाम इतना फैल चुका है कि ना सबको पता चल गया कि मतलब जब ईद वगैरह इस तरह की चीज हो रही होती है ना, एक बच्ची सामने बैठी हुई है वो तो फिजा को ऐसे देख रही है जैसे पता नहीं कोई घूर नहीं होती, आंखें उसकी मेजमराइज हो गई है। इस तरह तो मैंने नहीं तुम्हें कभी देखा जिस तरह वो देख रही है तुम्हें। आपने क्यों नहीं देखा कभी ऐसे? अब से देखूँ मैं। चलो अरे बॉयज एंड गर्ल्स, मीसो सूप आ गया ठीक है, साबुन वाला पानी लग रहा है।
नहीं मजाक करो, बहुत मजा आएगा, एक्चुअली काफी टेस्टी है। व्लॉग मूसा भाई का कैसा हो अगर मूसा भाई दो तीन फनी बातें ना करें बीच में? बात तो सही है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? Eid Mubarak. I like him already. Do you guys do slaughtering over there? Bam? Yeah, always. Okay, always. Okay. Every year, one time a year. Oh, whoa, 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 whoa. Everybody ready? We do halal. Halal fire, no harm. Halal fire. Halal fire, no harm. Halal fire, no haram. No hell fire. Halal fire, no harm. चेक करोगा भाई साहब ने दिल बना दिया, तोड़ देगा दिल को। आप भी तो यही कहते हो, मेरा दिल भी तोड़ी जाते हो। मैंने तुम्हारा दिल कब तोड़ा है? मैंने तुम्हें हमेशा जिंदगी में खुश रखना चाहा, नहीं रखा कभी। नखरे हैं आजकल के लड़कियों के। थैंक यू। हलाल के लिए ना वो यूटेंसिल्स भी अलग यूज कर रहे हैं, उसके लिए दूसरे, हमारे लिए दूसरे। तो गार्लिक बटर डालते हैं तभी इतना मजेगा हो जाता है। फिले मिनियन जिंदाबाद 10 out of 10 और श्रिम्प भी 10 out of 10, बहुत मजा किया। वेरी गुड चिकन जिंदाबाद मुबशर पुत्र वहीं आ गई यार। Later that same evening. Boys and girls, scene ये है कि अब हम आ गए हैं कवाली पे, हमारा फेवरेट हुक्का स्पॉट। ठीक है, यहाँ पे अभी इतना रश नहीं है जितना होना चाहिए। आई थिंक बफे का सीन चल रहा था, तो हमारे एक भाई हैं यहाँ पे जो हमें हमेशा बड़ा अच्छा केटर करते हैं। ये बिलाल भाई नहीं है, तो मेरे अपने भाई हैं। ये आए हुए अभी अपने वाइफ के साथ, ठीक है, और मैं आया हूँ अपनी वाइफ के साथ। सीन ये है कि यहाँ पे बफे पीछे डिनर लगा हुआ है, ईद का स्पेशल था तो सुबह से लगा हुआ है, लोग आके खा रहे हैं, बहुत मजे गए। हमारे यहाँ पे भाई ने उन्हें ऑफर भी की थी कि आप फ्री का खा लो, कोई मसला नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं यार, ये अच्छी बात नहीं, वैसे भी हमारा पेट भरा हुआ, अभी तो हम खा के आए थे। अभी हमने हुक्का मंगवाए इनसे चुल्लु बुली के नाम से, इनके बड़े फनी फनी नेम है, आपको पहले भी बताया हुआ है। वो क्या था, एक हीरा मंडी हीरा मंडी नहीं था, क्या था यार वो, हीरांजा, अनारकली, अनारकली, अनारकली से हीरा मंडी आता। तो अभी वो शीशा मंगवाया है, वो ट्राई करते हैं, बाकी आपको यहाँ पे माहौल छोल चेक कराते हैं जरा। तो ये है भाई यहाँ की ईद, ठीक है, यहाँ पे आप शीशे पीने आ जाओ, हुक्के पीने आ जाओ। अभी तक मैं किसी से सही तरह ईद भी नहीं मिला, आपको पता है, मेरा भाई भी नहीं उठ के मेरे से ईद मिला। ईद मुबारक, ये देखो जरा, मैं 3 दफ़ा यूँ 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 नहीं दे रहे टक्कर मारी हमारे ना वो क्या कहते चाकरा पॉइंट्स नहीं मिले आपस में। बॉयज एंड गर्ल्स, ये हमें चुलबुली का टेस्ट करने लगे हैं। पहले एक सेकंड बिलाल का भी रिव्यू ले लें। एक सेकंड रुकी, रुक जा बिलाल, तुम अपना रिव्यू तो दो, कैसा लगा तुम्हें? माइक मुंह के पास रख के ना। मैं इतना हुक्के का शौकीन नहीं हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द बेटर वंस दैट आई हैव हैड। बोली जा नहीं, मैं पीता हूँ हुक्का, लेकिन इतना शौक से नहीं पीता, मजबूरी में पी लेना पड़ जाता है तो फिर पी लेता हूँ। बट इट्स रियली गुड, मजे का वो यार, बड़ा स्मूथ है। चुलबुली नहीं हमने कभी मंगवाया, इट रियली फील्स लाइक दैट यू आर ड्रिंकिंग रू अफ़ज़ा। इसकी बेस रू अफ़ज़ा में है, रू अफ़ज़ा रखा हुआ है। बिलाल भाई तुम्हारे से थोड़ी बात करते हैं, रखो अपने पास। तुम क्या सवाल पूछते मेरे से, तुम बताओ बताओ कैसा रहा हूँ मैं तुम्हारा भाई? Oh shit. Na marte kyun the tum? I think I would give you like 8 out of 10 as a brother. Confidence acha tha iska shuru se bachpan se. He was very loving and everything, but iska bas ye masla tha ki ye bahut stubborn tha. To abhi bhi isme ek aadat hai, lekin but some consider this as a good quality, but like as growing up as a sibling, that's obviously, you know, something that you don't like. How would I be the perfect 10 out of 10? Don't be stubborn. उसके लिए 2 पॉइंट खा गया। 2 पॉइंट नहीं, ठीक है बंदे ना, हम्बल होना चाहिए बंदे को। हम्बल होना चाहिए वैसे बाकी, अगर तुम मुझे ज्यादा देते तो लगता फेवरेटिज्म कर रहा। हाँ। तुझे मुझे ज्यादा देने चाहिए पॉइंट भाई। तुम जब मैं पैदा हुआ था हमारे एक भाई से खाने आते थे, मुझे कब बड़ी थी मेरा पैदा होने के बाद। He was really good at like controlling our dad. Manipulation. जो भी कुछ मंगवाना होता था इससे कहते थे हम और ये मंगवा देते थे। जब मुझे मार पड़ती थी ना, मैं पापा को शिकायत करता था रात को ना, वैसे ना मैं इनके बड़े चुकता था पूरा दिन ना, जैसे ही रात को ये बंदे बदलता था। सारी बात है यार, तुम लोग में एज, हमारे में एज डिफरेंस बहुत है, लगता नहीं है। ही इज लाइक 8 इयर्स ओल्डर देन मी। हसन तुमसे 5 साल बड़ा। हसन मेरे से 5 साल बड़ा है, जिसको मेरा लोग छोटा भाई समझते हैं। हमजा मेरे से साल बड़ा। तो यू गाइस वर ऑलवेज 3 लाइक टुगेदर। मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने एज ग्रुप में फिरता था। किसी ने कहा था ना इन डेप्थ, कभी बिलाल भाई के साथ ब्लॉग बनाओ, बिलाल भाई
की स्टोरी ना, तो मेरी स्टोरी किसने सुनी है भाई? मेरी तो स्टोरी सीधी सादी सी है, अमेरिका में आया, पढ़ ली है, जॉब कर ली, बस उसके बाद जॉब ही कर रहे हैं। नहीं, और भी तुम्हारी स्टोरी में कितने टिप्स ट्विस्ट तो कुछ ना कुछ तो आए होंगे तुम्हारी स्टोरी में है। वो तो सबकी लाइफ में होते हैं थोड़े बहुत या छोटे मोटे। आपकी लग रहा होता जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा अपना मसला। तुम इतने शरीफ कैसे बन गए? हाँ, तुम थे तो नहीं शुरू से? था बिलाल कोई भी नहीं था, सबसे हम में से लफंडर बिलाल था, अभी वो बन गया साईं बाबा। साईं बाबा, I was like always open to more ideas. I was always open to like learning more. You just learn more empathy as you grow older. अच्छा है ना, पॉडकास्ट मैंने बिलाल के साथ यहाँ पे शुरू कर दिया। मैंने कहा हमारी ईद पे तो भाई यही होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सोफा डिस्कशन ईद पे होती है ना, और क्या होता है? बात तो सही है वैसे। मतलब क्या होता है, एक सोफे से दूसरे सोफे पे उठ रहे हैं, अब हमारे सोफे की डिस्कशन है वो आप तक पहुँच रही है, दिल की। ये देखो ब्रदर टू ब्रदर होती है, पॉलिटिक्स की तो हम बात कर नहीं सकते, तो फिर आई थिंक दिस इज अ बेटर टॉपिक। देखो हर भाई में एक स्किल होता है, इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है मैप्स में, नेविगेशन में, इसकी मेमोरी इतनी शार्प है गेम्स में और इन चीज़ों में। एक दफा उसने गेम एंड की होगी, इसको सारे सीक्रेट्स याद होंगे। मैं ब्लड बॉन्ड याद है, गेम खेल रहा था, कहते यहाँ से ये चढ़ के ना, ये जहाँ पे चूहे घुसते ना, यहाँ से तूने एली में घुसना है, यहाँ पे ना एक सीक्रेट ट्रेजर पड़ा होगा। मैं एक गेम खेलता हूँ ना, उसके 10 दिनों बाद भूल जाता हूँ उसके मैप्स। पता है ये किस तरह आई थी? हमारा बड़ा भाई ना हमजा खुद बैठ जाता था गेमें लेके और हमें कहता था तुम देखो, तो ये बेचारा देखता रहता था बिलाल किस तरह सीख गए। फिर उसने अपना तशद्दुद नीचे पास किया और हवली ने फिर तशद्दुद मुझे पास किया। तो ऐसे ही होता है, आई बिलीव अगर मेरा छोटा भाई होता तो मैं भी उस पर तशद्दुद पास करता थोड़े थोड़े। नहीं, हमारे में इतनी ज्यादा लड़ाइयां नहीं होती थी वैसे। तुम्हारे मेरे में तो नहीं इतनी हुई, नहीं। तुमने बस मुझे 2-3 लपड़ कराए हैं। वो मैं तुझे पढ़ाता था उस वक्त, मैथ वगैरह पढ़ाता था यार, इतना गंदा टीचर था, मार ही जाता था मेरा टीचर। ये भी लगा रहा था मार मार मुझे और मार। ये भाई की मारे और अब्बू की मारे ना, ये लाइफ में काम आती हैं। आजकल बच्चे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। जरूरी नहीं है मारना, लेकिन फिर भी ना, वैसे हमने तो इसी तरह सीखा था, तो दैट्स व्हाई आई वाज टीचिंग यू द सेम वे। मैं तुझे रोबोटिक्स भी सिखाई थी। हाँ, थोड़ी सी, ठीक है, वो मुझे मारे बगैर सिखाई थी। अच्छा, बिलाल ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी, यू नो, मनी वाइज कॉलेज में ना, तो मुझे पैसे बजट देता था। तो व्हेन आई केम इन आई वाज इन रियली गुड विद इट। जिस तरह स्टूडेंट्स आते हैं ना, क्योंकि जहरी बात है पाकिस्तान से थोड़ा स्पॉइल्ड था मैं, तो ये मुझे डांटता दोस्तों बढ़ाना कि बजट करना सीख, तू पैसे उड़ा देता है ये वो फलाना। हालांकि मैं ज्यादा पैसा ना खाने की चीजों पर उड़ाता था और किसी चीज पे नहीं। अकेला जब मैं यूनिवर्सिटी में रहा, ये लोग भी रहे थे ना, तो उस एक्सपीरियंस आप लर्न करते हो, एंड ही टॉट मी अ लॉट इन दैट रिगार्ड। फिर इसने मुझे ये भी कहा था कि यार अपना काम खुद करना सीख, मेरे पे डिपेंडेंट नहीं होना। हाँ, मैंने इसको कहा था कि देखो गलती करोगे, गलत क्लास के लिए साइन अप करोगे, जो भी आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो ना, दिस एक्चुअली टीचेस यू अ लॉट मोर देन समबडी होल्डिंग योर हैंड एंड डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। आप लोग देखते हो कि मूसा इतना इंडिपेंडेंट क्यों है, हाउ ही नोज हाउ टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और एटलीस्ट ही इज नॉट स्केर्ड ऑफ डूइंग थिंग्स। इट्स बिकॉज लाइक यू नो यू हैव टू लेट गो ऑफ योर, लेट देम फेल एट व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू फेल एट, यू नो दे विल लर्न ऑन देयर ओन। लाइक नो लेसन दैट यू कैन गिव देम वुड बी अ बेटर टीचर देन लाइक फेलियर। बात पे बड़ा यकीन करते हो। कुछ लोग कहते हैं हम टेक केयर उनकी करते हैं तो हम उनको छोड़ नहीं सकते, बट देयर इज अ टाइम इफ यू एक्चुअली लव देम यू हैव टू लेट देम डू थिंग्स ऑन देयर ओन। हमारे अब्बू भी करते थे। रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली सिचुएशन है ना, तो इनिशियली लाइफ में जो आपके जो डिसीजंस होते हैं उसमें इतना हाई रिस्क नहीं होता, ठीक है। आप क्लास फेल कर दी, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, एक सेमेस्टर का आपको ज्यादा करना पड़ जाएगा। इट्स डेवास्टेटिंग बट इट्स नॉट लाइक लाइफ एंडिंग। बट लेटर ऑन लाइफ में ना डिसीजंस जो होते हैं उनका वेट काफी ज्यादा बढ़ता जाता है, तो यू शुड लर्न अर्ली फ्रॉम फेलियर्स एंड बिकम अ मोर हम्बल पर्सन दैट यू डोंट नो स्टफ, then fail later in life and then like realizing that like your whole world view shatters. It's a fortunate thing to have, you know, brothers. Yeah. Sister bhi hoti to acha rehta. Like if we had a sister, we would have been really different, all of us. I think so. Thoda sa hum zyada londe the ghar mein. Wohi hota tha na, ghar mein hamesha ye tension hi hoti thi, mama ko papa ko aaj kisi ki heart tootega, kamar tootega, har waqt kushti chal rahi hoti thi ghar mein. But boys and girls, Bilal bhai se abhi ye Eid ka vlog hai to hum zyada lamba nahi kar rahe se, lekin Bilal bhai ke sath sahi baith ke kisi podcast kis tarah hai America hai, kis tarah humne journey se job dhoondi. Agar aap का पॉडकास्ट चाहते हैं हमारे बचपन वगैरह का सारा, तो डू लेट मी नो, एक एपिसोड इनके साथ बैठ के करेंगे, ठीक है। एनीवेज हमारा मिंट मार्गरिटा आ गया है, थैंक यू बिलाल भाई, थैंक यू एवरीवन। कवाली वालों खुश हो जाओ, तुम लोग बैठ के सारे यहाँ पे पॉडकास्ट कर लिया मैंने। एनीवेज ये चेक करो जरा मिंट मार्गरिटा क्या बनाया, छतरी लगा के ऊपर, ओए होए होए, लेट इट रेन ओवर मी, ओए होए होए होए। दूजे में जाता हूँ ना रेस्टोरेंट्स पे, तो मिंट मार्गरिटा ना बहुत ही स्वीट होते हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड, और दिल पे जाके ठा करके बज रहा है, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। अभी के लिए तो हमने यही करना है और हुक्का पीना। इफ़ यू एंजॉयड दिस ईद ब्लॉग इन अ लिटिल पॉडकास्ट विद बिलाल भाई इन अ रूटीन, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, और इंस्टा टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर लेना, और मेरी हेयर कट पे मुझे क्लाउन ना करना वरना बहुत मारूंगा, ठीक है। Drink some, go ahead, be gone with your